खींचाता बहुत नॉर्मल है तमन्ना और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि कंपैरेटिवली कम हुई है सरकार टाइमली बन गई है तेजी से बन गई है और इन्होंने एक फॉर्मूला तय कर लिया था कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं तो उसके सामने कितना एक कैबिनेट रैंक और एक एमओएस रैंक या इंडिपेंडेंट एमओ रैंक बनता है तो बहुत ही एमिकेबली और स्विफ्टली हो गया मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत प्रेशर रहा ये एक नॉर्मल डिस्कशन था जो कंप्लीट हो गया और एक कंटिन्यूटी वाली कैबिनेट हम अपने सामने देख रहे हैं इनफैक्ट कंटिन्यूटी की बात करते हुए बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड मंत्री हैं टीम मोदी में वो रिपीट हो रहे हैं कई तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं क्या आंकलन लगाया जा सकता है कि जो मंत्रालय हैं वो भी उसी तरह बटेंगे जिस पैटर्न में हमने देखा है जैसे दो टर्म में आपके सेम मिनिस्टर्स रहे हैं तो ये कहना ठीक होगा कि शायद तीसरे टर्म में भी वही कंटिन्यूटी चले ये स्पेक्युलेट करना बहुत रिस्की इसलिए है कि अभी बस थोड़ी ही देर में पोर्टफोलियो एलोकेशन का जो कम्युनिके है राष्ट्रपति भवन से वो आ जाएगा तो बड़ा ट्रिकी है कि हम ये बता पाए कि कुछ चेंजेस होंगे या ना होंगे लेकिन ब्रॉडली ये कहा जा सकता है कि कंटिन्यूटी रहेगी और जो लोग लौटे हैं खास करके टॉप फोर या सिक्स टॉप मिनिस्ट्रीज में इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में जिन लोगों की एक्सपर्टीज है एक्सपीरियंस है तो मुझे लगता है कि काफी लोग रिपीट होंगे सेम मिनिस्ट्रीज में हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो जाए तो ये स्पेकुलेट करना गलत नहीं होगा कि ये चेंजेस मार्केट को और शायद खुश करने वाले हों यही मैसेज दे कि और एनर्जाइज होने जा रही है ये वाली कैबिनेट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड डिसीजन मेकिंग वन क्वेश्चन uh, क्या आप ये डू यू थिंक लाइक दैट मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर uh, कैब जो मिनिस्ट्रीज uh, हैं वो बीजेपी के आउट ऑफ द पोर्टफोलियोज जो बीजेपी को दिए गए हों वहाँ पे डी यू एक्सपेक्ट कि शायद विद इन मिनिस्टर्स में कोई चेंज हो या दैट इफ फॉर एग्जाम्पल एन अश्विनी वैष्णव इज गोइंग टू गेट अ पोर्टफोलियो यू रेक के उनको रेलवेज दिया जाएगा बिकॉज ऑफ इस पास परफॉर्मेंस डी यू एक्सपेक्ट द चेंज कैन हैपन विद इन द बीजेपी मिनिस्टर्स देम सेल्स एंड विल द मार्केट वरी अबाउट इट Uh, that's what I was uh, trying to underline, uh, Neeraj. Jesus. That if there is a change within the BJP ministers in terms of portfolio, uh, markets shouldn't worry. Market should actually be very optimistic and it will be out in some time. Uh, it will be giving much more stronger and positive signal in terms of purpose and focus. So, change of a minister from a ministry to another ministry won't signal uh, anything else. But that the efficiency and the experience is being utilized more in the other ministry. Maybe you will have more dynamic minister in the same ministry, and it will be he will be or she will be a new face. So uh, overall, I want to emphasize that this ministry, uh, this cabinet, uh, gives you a signal of serious continuity. Look, Mr. Jay uh, Mrs. Sitaraman, uh, Mr. Amit Shah. Mr. Rajnath Singh, they all are back. Mr. Gadkari, whom market loves, is back. Um, you have Mr. Shivra Singh Chauhan uh, and uh, Mr. Manohar al two more chief ministers. Six chief ministers in this cabinet, which is a very important point to note, because chief ministers comes, uh, come from very, very rich experience because they have run a state. A chief minister is much more powerful uh, in many senses than a prime minister. So this cabinet is ex well experienced, very, very rich, richly experienced cabinet. And I'm very sure that economic ministry uh, will be giving the allocation will be giving great signals to market today. इलेक्शंस के पहले काफ़ी ये कैबिनेट मिनिस्टर से आ, लंबे इंटरव्यूज़ भी किए थे वार्तालाप भी किए होंगे ऑफ एयर ऑन एयर मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ कि डू यू सेंस ए पॉलिसी कंटिन्यूटी टू बी अ गिवन क्योंकि मार्केट को ये चिंता है कि भाई बिकॉज देर आर टू एलाइज राइट नाउ कितने फोर्स से पॉलिसी कंटिन्यूटी रह सकती है वॉट इज योर सेंस these are two allies which is basically mr nitish kumar and chandra babu naidu they are uh very experienced chief ministers and uh, leader of uh, leaders of uh, national stature, uh, they will actually add a great value in this cabinet because states needs to change. He they will be able to influence many other states to come up with reform agenda, which will help them grow faster than they are currently growing. So I see all combination coming together to uh, create a very enabling environment in terms. of economic uh, economic governance, uh, economic reform and push to growth, which is is extremely focused that it is job led. में और कैबिनेट का या uh, सरकार का विस्तार हो क्योंकि जो फॉर्मूला की आप बात कर रहे थे जिसकी चर्चा हो रही थी उसके हिसाब से टी और जे को अभी दो दो बर्थ मिले हैं एक क्या एक कैबिनेट और एक एम क्या ये आगे जाकर बढ़ सकता है और एलाइज अकोमोडेट हो सकते हैं या ये एक फाइनल पिक्चर निकल कर आ रही है तीसरे टर्म के लिए नहीं अभी थोड़ा स्पेस है मिस्टर मोदी कैन ऐड सम मोर मिनिस्टर्स फ्रॉम द करंट एलाइज एंड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एलाइज सो एक्चुअली इन पॉलिटिकल सर्कल इट विल बी सेंडिंग अ सिग्नल कि सम न्यू एलाइज आर वेलकम Oh, that is that is the headline actually this morning. That there is enough space to accommodate new allies as well. Well, uh, the excitement uh, is yet to be seen. Thank you so much, Sanjay, for joining us.